2000 में वैशाली जिले में गुलनाज के साथ हुए बलात्कार और उसके बाद हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान कैंडल मार्च लाइन बाजार से आर्यन शाख चौक तक निकाला गया, जिसमें इनकलाब फाउंडेशन के अध्यक्ष नियाज अहमद सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 15 अक्टूबर एक मामला हुआ था, दो मुस्लिम लड़कियों को हिंदू समाज के द्वारा जला दिया गया था शादी नहीं करने के मामले पे, और इसको जो है दबा दिया गया और नाम दे दिया गया कि इलेक्शन है, इस वजह से जो है मामला खराब ना हो। लेकिन अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वैशाली में गुलनाज के साथ जो घटना घटा है, इस तरह से उसको जला के मारा गया है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 15-17 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक जो उसका असली मुजरिम है वो कंधे में हम तक नहीं पहुँच सका है। लोगों का मान है कि मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। रोहतास जिले के महिला कॉलेज के पीछे एक लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। मृत युवक की पहचान विकी के रूप में हुई है, जो सिंचाई कॉलोनी का निवासी है। वहीं आपको बता दें कि युवक पिछले 11 नवंबर से ही गायब था, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। 11 तारीख से वो लड़का गायब है, 11 तारीख को उसके यहाँ इन्फॉर्म हुआ, उसी दिन से हम लोग खोज रहे हैं। फिर उसके बाद हम 14-15 तारीख को थाना में भी आए, तो थाना में हम बोले कि सर लोग बोला जो उसका फ्रेंड था जो घर से 11 तारीख को ले गया था उससे हम बोले, तो वो लोग बोला घर पे आके कि मतलब वो लड़का गिरफ्तार हो गया है। वैशाली जिले में गुलनाज के बलात्कार और उसके बाद हत्या के खिलाफ जहानाबाद में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर लोगों ने गुलनाज के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। आपको पता है कि 15 दिन से गुलनाज खातून टीएमसी में जो है मौत के मुंह में झूल रही थी। वैशाली के लोगों ने जो है अपराधी एक उनका हथेल डाल के उनको जला दिया गया था। जबरन उनसे शादी करने का जो है प्रस्ताव वो दे रहे थे, वो इनकार की, तो हथेल डाल के वो उनको जला दिया गया और कल उनकी मौत हो गई है। और राज्य सरकार कल जागी है और कल जाके बयान किया गया। कैमूर के मोहनिया में एक विवाहिता को जिंदा जलाकर दफनाने का मामला सामने आया है। मृत महिला के परिजनों का कहना है कि इसमें ससुराल वाले का हाथ है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। एक बड़ी बाजार मोहनिया से बादमी इग्नू निशा हसून निशा के द्वारा आवेदन दिया गया, बेटी को जला के मर दिया और उसको दफना दिया। एक आदमी के नाम से? अच्छा जी सर। और हम चाहते हैं कि सब परिवार पूरा सम्मिलित है, इसलिए हमको नहीं बताया गया ना कुछ और दिया। अच्छा, सभी लोगों को मतलब सभी लोगों ने मिलकर जलाया था? सभी लोगों ने मिलकर जलाया, जो भी घर में वो लोग थे। कितना साल पहले शादी हुई थी? 5.5 साल करीब। 5.5। कितने बच्चे हैं? एक दो बच्चे हैं, एक लड़की है 4 वर्ष की और एक बच्चा है 1.5 वर्ष का। मुंगेर जिले के शहीद अब्दुल हमीद चौक पर राज्य के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर एनसीपी नेता संजय केसरी ने कहा कि वर्तमान शिक्षा मंत्री पर FIR दर्ज है तथा कई घोटालों में इनका नाम सामने आया था। ऐसे में सरकार राज्य में भ्रष्टाचार की गंगा बहा रही है। और जिसको हम सब सुशासन का सूखा वो पानी बोलते हैं, यह भ्रष्टाचारियों का संरक्षण है। अभी जो पुतला दहन किए हैं शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी, यह जब सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति था तो 161 सहायक प्रोफेसर और कनीय वैज्ञानिक का बहाली निकला था। सभी पद को 15-15, 20-20 लाख रुपया में बेच दिया गया। इसका जब सुगवाहट हुआ, जब निगरानी में मामला गया और निगरानी ने जब जांच करवाया। कोरोना पर लोक आस्था का महापर्व छठ भारी पड़ रहा है। जमुई के हनुमान घाट पर छठ पूजा के नहाई खाई के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है। आपको बता दें कि आज नदी में स्नान करने के बाद महापर्व की शुरुआत होगी।